बाढ़ से पूरा बिहार बेहाल है और जिला प्रशासन के द्वारा प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। जहां जिला प्रशासन की व्यवस्था सही है, बिग न्यूज ने उसे वैसा ही दिखाया, लेकिन नवजात शिशुओं को लेकर जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो यहां खोखली साबित हो गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं सबौर प्रखंड की रजंदीपुर पंचायत के लालू चक की, जहां नवजात राकेश बाढ़ के बीच फंसा हुआ है। दूध की पूर्ति तो माँ से पूरी हो जा रही है, लेकिन इस उम्र में दवाई और टीके की जो जरूरत है उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नवजात राकेश का हाल जाने कोई नहीं पहुंच रहे हैं, जो दावे हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। नवजात राकेश की माँ गुड़िया को भी कष्ट है। राकेश के पिता ने कहा कि कोई हाल जानने नहीं आया, जब भी खांसी या तबीयत खराब होती है तो नाव करके अस्पताल ले जाना पड़ता है। यहाँ देखिए अस्पताल में जन्म हुआ था, उसके बाद से यहाँ जब लाए हैं तो बाढ़ का पानी आ गया है। बाढ़ में दूध तो माँ का पीता है, लेकिन दवाई उवाई खांसी उसी अगर हो गया तो उसमें बहुत परेशानी होता है। आने जाने में फिर बच्चा लेके डॉक्टर के यहाँ जाना बहुत परेशानी होता है। डॉक्टर यहाँ कहाँ से आएंगे? तो कहना तो है कि यहाँ डॉक्टर उक्टर आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आते हैं। तो कैसे उसका फिर हो पाएगा यदि कहीं? तो फिर नाव लेके रिजर्व करके जाना पड़ता है, वहाँ दिखा के फिर कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ है डॉक्टर सब, ब्लॉक सब के आसपास में है, ब्लॉक चौक के अगल बगल में शिशु विशेषज्ञ, वहीं ले जाके दिखाते हैं। अच्छा, ये कहाँ पर हुई थी बच्चा? यहाँ अस्पताल में हुआ था, सबौर अस्पताल में, सदर अस्पताल सबौर। अभी ज़्यादा कष्ट हो रहा है, अभी ज़्यादा पानी हो गया इसलिए ज़्यादा। क्या चाहते हैं, यहाँ डॉक्टर आना चाहिए? हाँ, यहाँ डॉक्टर आना चाहिए। क्या नाम रखे बच्चे का? क्या नाम रखे बच्चे का? नाम है राकेश कुमार। राकेश, आपका क्या नाम है? श्याम कुमार। जरूरत है जिला प्रशासन को ऐसे नवजात और कष्ट में रह रहे लोगों को चिन्हित कर सभी सुविधा मुहैया कराने की। भागलपुर से बाढ़ के पानी के बीच से अश्वनी कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट।